जी शत्रुघ्न जी, आपने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद आपने कहा कि कैसे बिहार परिवार के लिए, जिसको आप सन ऑफ द सॉयल आप कहते थे, बिहार का लाडला, जी जी उसके लिए जी, ये इंसाफ की घड़ी है। क्या है आपकी भावनाएं सुशांत सिंह के मामले में, अब जब सीबीआई को जांच सौंपी गई है? सर, ये इंसाफ की घड़ी से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये हम सबकी जो मांग रही और बहुत सारे लोग इसके समर्थन में आए, बहुत सारे लोग, यानी ना सिर्फ उनके परिवार और रिश्तेदार, हमारे अपने बिहार के लाडला, सन ऑफ द सॉयल और सन ऑफ इंडिया सुशांत सिंह राजपूत के, बल्कि उनके तमाम प्रशंसक, समर्थक, फैंस और खासकर यंगर जनरेशन के लोग जिस तरह से परेशान थे, चिंतित थे, समर्थन में सामने आए। और मैं विशेषकर आभार प्रकट करूंगा बिहार के तमाम राजनेताओं का, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, हमारे अपने मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, और हमारा अपना कलाकार, वो भी सन ऑफ द सॉयल है, वो भी हमारा बिहार का लाडला है, हमारे अपने पटना का शेखर सुमन, जिसने ना सिर्फ समर्थन दिया बल्कि इस केस के ऊपर बहुत स्टडी की, और बहुत स्टडी करके बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छी तरह से उसने पेश की अपनी बातों को, बहुत बढ़िया से, और हमेशा वो साथ रहा, जुड़ा रहा। तो शेखर सुमन का और ऐसे भी तमाम लोग जो देश से, बहुत सारे विदेश से, चारों तरफ से जो लोग सामने आए, और मीडिया के लोग भी जिस तरह से इस बात को उठाते गए, जिस तरह से बढ़ाते गए, यानी कि इतना ज्यादा इसके ऊपर इसका प्रचार और प्रसार हुआ, सहानुभूति और बढ़ी, लोगों की संवेदनाएं और साथ आईं, लोगों की दुआएं रंग लाई, और अंतोगत्वा जो हम सबकी मांग थी और चाह थी, ये केस कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को सौंपने का मतलब है अंजना कि हमने, या सीबीआई के जरिए, सच्चाई का मार्ग प्रशस्त किया, यानी सच्चाई की दिशा में एक सही कदम उठा। अंजना, आपको तो पता होगा चाइनीज में कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बड़े हुए कदम से होती है। तो ये देखिए, कहावत कुछ हद तक या बहुत हद तक यहाँ पे लागू होता है कि ये बहुत जबरदस्त कदम उठा, और अब हमारी यही कामना है, मनोकामना है, प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये सच्चाई की दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं सीबीआई के जरिए और अपनी दुआओं के जरिए, वो रंग लाए, यही हमारी कोशिश है और यही हमारी कशिश की थी। न सिर्फ एक दमदार अभिनेता, एक पॉलिटिशियन के भी रूप में शत्रुघ्न जी, आपने ऐसे तमाम मुद्दों पर पार्टी लाइन से ऊपर हटकर बात की, और इसीलिए हर कोई सुनता है जब आप बोलते हैं, और इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर भी प्रखर होकर आपने पहले भी बात की, एक बार फिर आप कर रहे हैं। अब बात आती है रिया चक्रवर्ती पर। देखिए, आपने खुद शेखर सुमन जी का नाम लिया। शेखर सुमन जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ट्वीट किया कि रिया अब रिहा नहीं हो सकती है। विकास सिंह जो वकील है फैमिली के, वो भी कह रहे हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन हो। क्या आपको भी लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि 65-67 दिन निकल गए हैं, सबको ये डर लग रहा है कि सबूत ना मिट जाए, कहीं जांच में कोई अड़ंगा ना आ जाए। क्या आपको भी लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए? ये कई बार लगता तो जरूर था कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, यानी कि इतनी देर हुई, कहीं इस बीच में बहुत सारी बातों को या बहुत सारे सबूतों को इधर उधर या उनमें हेर फेर ना हो गई हो, एक आशंका रही। बहरहाल, अब जो बात कर रही हैं आप, अब तो मामला जो हम लोगों की कोशिश थी, हम लोग की चाह थी, आप तमाम लोग इतना जोर शोर से कह रहे थे और सही कह रहे थे, अब मामला सीबीआई को चला गया, अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये नंबर वन। नंबर दो कि मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नजदीक से नहीं जानता हूं, और इस केस को भी उतने नजदीक से हमने स्टडी नहीं किया जितने नजदीक से हमारे अपने शेखर सुमन ने किया, बाकी नेताओं ने भी उतने नजदीक से नहीं किया है, लेकिन शेखर सुमन ने किया है, और साथ ही साथ हमारे जितने अच्छे अच्छे वकील हैं बिहार में चाहे महाराष्ट्र में, इन लोगों ने, या दिल्ली में इन लोगों ने, विकास सिंह जी का जिक्र किया आपने, बहुत सुलझे हुए आदमी दिखते हैं, बहुत बढ़िया आदमी दिखते हैं उन्होंने, और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के कुछ लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही कदर करता हूँ, बहुत ही
सभ्य लोग हैं, बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं। जैसे सुशांत खुद भी बहुत कल्चर्ड था, बहुत बढ़िया एजुकेटेड, स्मार्ट, बढ़िया, एकदम सेल्फ मेड। तो और हमारे अपने बिहार पटना से ही, तो एक लगाव तो बहुत रहा है। बट उसके बावजूद कहना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसी विडंबना रही कि पटना के होने के बावजूद भी सुशांत से मेरी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, और आया था और बहुत संस्कार के साथ उसने प्रणाम किया। उसने बहुत मेरी हौसला अफजाई की, कह के कि हम तो आप रोल मॉडल हैं, हम तो चाहते थे, सब चाहता है वहां से आते हैं कि आप बिहारी बाबू हैं, हम सब चाहते हैं आपको देख के कि आप ही की तरह हम लोग भी। हमने कहा हमारी तरह क्यों, हमसे भी आगे जाना चाहिए, मीलों आगे जाना चाहिए। तो मैंने, हम लोगों ने एक दूसरे से बड़े अच्छे से बात की थी। उनके परिवार के साथ भी मेरा कोई इतना, मेरे कुछ दोस्तों के जरिए, कुछ लोगों के जरिए, या मेरे परिवार के और सदस्यों के जरिए, उनके परिवार के लोगों की बहुत तारीफ सुनता रहा, बहुत मानता रहा। उनमें एक, उनका एक भाई वहाँ MLA भी है, अच्छा है, सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, नीरज नाम है उसका। जी लेकिन ऐसे मेरी खास मुलाकात नहीं थी। तो मैंने कहा कि इस केस के मामले में, और अब जबकि मामला CBI को सौंप दिया गया है, तो मेरे लिए कुछ उचित नहीं होगा कि अब मैं किसी और के ऊपर टीका टिप्पणी करूं, और वो भी जबकि मुझे पूरी जानकारी जिन बातों की नहीं है उसके आधार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।